कोरोना काल के दौरान इंदौर शहर में सेवा देने वाली स्वास्थ्य कर्मी अस्थायी नर्सों का कार्य मुक्त करने पर स्वास्थ्य कर्मी आक्रोशित, कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। इंदौर शहर में करीब 70 स्वास्थ्य कर्मियों और अस्थायी नर्सों को मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर देर रात जारी किए आर्डर के बाद उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया है। जहां नर्सों में सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भारी रोष है, जिसके चलते बड़ी संख्या में कोरोना योद्धा कहे जाने वाली नर्स कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि वो बेरोजगार हो गई हैं। इस दौरान नर्सों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय पर संबंधित अधिकारी को ज्ञापन भी देने की बात कही गई। इंदौर से सतीश शर्मा के साथ इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। कोरोना वैश्विक महामारी जब चालू हुई थी, तो भोपाल और जिला प्रशासन इंदौर और हर जिले में से एक 3 महीने का इन्होंने कंसेप्ट बना के उसके लिए स्टाफ नर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ और लैब टेक्नीशियन, इन सबकी भर्ती की थी। तो उसको क्या है, 3 महीने के बाद धीरे धीरे करते करते आज 4-5 फरवरी तक लिया है। कल रात हमारे पास एक ऑर्डर आता है कि 4-5 तारीख से आपकी सेवाएँ निरस्त की जाती है। लिखित ऑर्डर आया जी, लिखित ऑर्डर है मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी तो उसके बाद से हम सब हो गए बेरोजगार हो गए। अब कोई बाहर से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई कहीं से, मतलब इस वैश्विक महामारी में जो कम कोरोना योद्धाओं ने जो किया था, और मैं स्पेशली कलेक्टर साहब मनीष सिंह जी से एक रिक्वेस्ट करूँगा इन सभी की तरफ से कि सर कम से कम आप सबसे अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं इंदौर शहर के, आपने इंदौर को इतना नंबर वन बनाया है, तो आपके इन कोरोना योद्धाओं के साथ ऐसा व्यवहार न हो। अभी आप आए हैं और यदि आपकी मांगे नहीं मानी गई, आपको नहीं रखा गया, तो आप क्या करेंगे आगे? आगे तो जैसा संगठन जो भी तैयारी करेगा उस हिसाब से देखा जाएगा। एक बार हम सबकी रिक्वेस्ट है, हम कोई इतने नर्स हैं अभी यहाँ पर इंदौर शहर में, कितने 70 स्टाफ नर्स को कल रात को निकाल दिया गया एक ही दिन में। दूसरी जगह पर तो अब आप ये बताएं कि आने वाले समय में चुनाव भी आने को है, नगर निकाय चुनाव, तमाम तरह के चुनाव आएंगे, 70 लोगों के परिवार प्रभावित हुए हैं, क्या कहेंगे आप? एक चीज बताओ, नहीं बीजेपी को वोट देना ये नहीं है, पर ये अपना ये हम बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, हम चुनाव में अपना वो लगे हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊँ, जब अभी उपचुनाव हुए थे सावेर के, तब इस सारे कोरोना योद्धाओं की वहाँ ड्यूटी लगी है, इलेक्शन पूरा वेल मैनेज, और सबके हमारे पास रिकॉर्ड पड़े हैं उस चीज़ के, हमें हर जगह ड्यूटी लगी है, हमने इतना किया है, पूरा अच्छा मैनेज किया। आपका नाम बोलिए। हरीश, बताइए किस लिए आए थे सभी? ये सभी स्टाफ नर्स हैं जो COVID-19 की रोकथाम के लिए ड्यूटी करते रहे हैं, और ये अस्थायी नियुक्त थे। इनकी मांग है कि हमें संविदा में विलय किया जाए, इस आशय का इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन ले लिया गया है, उचित माध्यम से संबंधित तक पहुँचा। आपका नाम? संजय का। क्या तहसीलदार? हम लोग सब कोरोना योद्धा हैं, हम लोग 3 महीने से यहाँ पर काम कर रहे थे, उसके बाद हमें सरकार आगे बढ़ाती गई, एक्सटेंशन करते गई, किसी को 6 महीने हो गए, किसी को 7 महीने हो गए हैं, और उसके बाद कल हमारे पास एक लेटर आता है रात को कि आप लोगों को कल से काम बंद करना है। तो हम लोग ये हम मांग लेके हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि हम आगे हम लोगों को रखा जाए और हम लोगों को एक चांस और दिया जाए, क्योंकि हम अभी अगर हम लोग अभी हमको यहाँ से यहाँ से हटा दिया जाता है, तो हम लोग आगे कभी NHM वालों का साथ नहीं देंगे, और ना ही हम कभी किसी महामारी में हम लोग यहाँ पर साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ ये चीज़ बहुत गलत हुई है, और हम लोगों को हर चीज़ में हम लोग आगे गए हैं, और आज हमें कल रात को यह चीज़ बोली जाती है कि नहीं आना है, तो हम लोग अब कहाँ जाएँ, हमारा भविष्य आगे इस चीज़ से ख़राब होता है, और हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, और हम किसी भी हॉस्पिटल्स में जाते हैं हमारे पास ना कोई एक्सपीरियंस होगा, और कोविड का एक्सपीरियंस है फिर भी हम लोगों के इतने सालों का एक्सपीरियंस बेकार कर जाएगा, और आगे हमें उसी पोजीशन से लिया जाएगा जिस पोजीशन से हमें स्टार्टिंग में लिया गया था। हम चाहते हैं कि हमें एक और मौका दिया जाए, और हमें यह एक्सटेंशन करते हुए आगे भले संविदा परमानेंट ना करें, बाकी संविदा बेस हमें दिया जाए, जिस तरीके से सीएस में दिया गया है मौका, उसी तरह से हमें कोरोना योद्धा में भी दिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने महामारी में हमारा घर परिवार छोड़कर हम लोग यहाँ पर काम करते थे, हम लोगों ने हमारा परिवार नहीं देखा, हम लोगों ने
फिर भी यहाँ पर मेहनत करी है और हम लोगों ने अपने मगन से यहाँ पर काम किया है। तो हम लोग यह चाहते हैं कि कलेक्टर सर और मामा जी से भी हमारा यही निवेदन है कि हमें लगता है कि मामा जी हमारा साथ देंगे और हमें एक मौका और देंगे। कितने स्वास्थ्य कर्मी प्रभावित हुए हैं? यहाँ पर फार्मासिस्ट है करीबन 70 और स्टाफ नर्स हैं करीबन 70-80 का वो है। हम दोनों को ही हटाया गया है और लैब टेक्नीशियंस है तो आगे उन्हें भी हटाया जाएगा। तो हमारी यही मांग है। क्या कारण, कुछ कारण बताया गया? कारण नहीं बताया गया, बस उन लोगों की जरूरत पूरी हो गई है तो हमें यहाँ से हटा दिया गया है। आपने बात करना चाहिए, हम लोगों ने कई बार बात करना चाहिए और हम लोगों को भोपाल भी गए हैं तो हमारे साथ भोपाल में गंदा व्यवहार किया गया है, लड़कियों पर हाथ उठाया गया है, लाठीचार्ज किया गया है। ये चीज़ भी बहुत गलत थी कि एक मामा जो जिसको बोलते हैं वो कंस मामा की तरह हमारे पे इतना अत्याचार करा गया है। आपका परिचय? मेरा नाम वर्जिना रचावत, स्टाफ नर्स। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।